हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। देवास जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है। यहाँ कुछ लोग एक नवविवाहिता को घर से उठाकर ले गए, बाद में उसकी लाश मिली। बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे पिता पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। देवास के आगरी गांव में हुए इस हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। यहां रहने वाले निर्भय सिंह गुर्जर के मुताबिक उनके परिचित 6 लोग रात 2 बजे उनके घर में घुसे और झगड़ा करने लगे। विवाद बढ़ने पर उनकी 19 साल की विवाहित बेटी भी बीच बचाव करने आ गई। झगड़ा कर रहे लोग उसे उठाकर ले जाने लगे। जब उन्होंने युवक को रोकना चाहा तो उन लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में निर्भय सिंह घायल हो गए। युवक उसके बाद उनकी बेटी को उठा ले गए। बाद में बेटी की लाश घर से कुछ दूर पड़ी मिली। पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है कि बीती रात टोक खुर्द के आगरी गांव में 27 वर्षीय युवक श्यामलाल एक नवविवाहित महिला से मिलने उसके घर गया था। श्यामलाल खुद भी शादीशुदा है। महिला के घर वालों और महिला से उसका विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। आरोपी के पास चाकू रखा था, उसने चाकू से महिला और उसके घर वालों पर हमला कर दिया। इसमें महिला का पिता घायल हो गया और महिला की मौत हो गई। आरोपी श्यामलाल को पकड़ लिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव दयाल के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। एक आरोपी श्यामलाल को पुलिस ने राउंडअप किया है, आगे की जांच की जा रही है। सो गया था मैं, 2 बज रहे थे रात की। फिर क्या हुआ? वो लोग आए, हमला बोला उन लोगों ने। कितने लोग थे? 6 लोग थे, 4 पहचाना। कहाँ घर पे आए थे? फिर क्या करा इन्होंने? हमला बोल दिया, मेरे को मारा, लड़की को उठा के चले गए। लड़की को लेके चले गए? इनके साथ में कोई हथियार वगैरह? बंदूक थी, फिर पर्से थे। कितने लोग थे? 6 लोग थे। पहचानते उनको आप? पहचान। उनके नाम बताओ। श्याम, सूर्य सिंह, भगवान सिंह। और 2 दिन में अंधेरा में तो उनको पहचाना नहीं। फिर बाद में लड़की की कहाँ चले गई? कहाँ से मिली फिर अपने को? उनके घर के पास में से मिली, पुलिस आई सुबह। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।